हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है? तो वह है जिला परिषद। जिला परिषद एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिला परिषद। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधित मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? तो बजट मामले के पर चर्चा करने की अनुमति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत अनुमति देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इसका आंसर। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्तियां को कितने दिन के भीतर भरा जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्तियां को 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 6 मंथ। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है? तो भारतीय संविधान के चतुर ए यानी कि 4A भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, चतुर ए। तो हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया है? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, सूचना का अधिकार। तो बढ़ते हैं अब अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई है? भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे तैयार की गई है। तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अब अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक अनिवार्य तत्व है? तो राज्य का तत्व संप्रभुता है, सरकार है, क्षेत्र है, ये सभी राज्य का तत्व है। इसमें से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, तो उसी को आप टिक करेंगे। इसमें सब ऑप्शन सही है, तो ये सभी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो आप बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है? तो 44वें संशोधन के तहत आपको संपत्ति का अधिकार का कानून बन गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, संपत्ति का अधिकार। तो बढ़ते हैं अब अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल की नदी लूनी है। महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की लूनी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, लूनी नदी। तो हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को विरध गंगा कहा जाता है? तो भारत की गोदावरी नदी को विरध गंगा कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, गोदावरी नदी। तो हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 44 है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, NH 44। अब बढ़ते हैं अपने 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोनार झील है?
भारत के किस राज्य में लेनार झील है? तो भारत के महाराष्ट्र में लेनार झील है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेनार झील महाराष्ट्र में है। तो बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहा जाता है? तो भारत की मेरिनो भेड़ चियोकला को कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, चियोकला। तो जैसा कि आप लोग के लिए वीडियो के लास्ट में एक सवाल पूछा जाता है, तो आज का सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यह है आपका सवाल। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, आप मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, अगले कुछ नई क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जय हिंद, जय भारत।